नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके जरा जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 166 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। जी जी जी। केवला अनिल विसर्प विस्फुटम अभिहत ज्वरे सर्पिस्पान हिमालेपम सेकम मांस रसाशनम कुर्यात यथा स्वमुक्तम च रक्तमोक्षादि साधनम। यहाँ पे शुद्ध वातजन्य विसर्प विस्फोट अभिवातजन्य ज्वर में घृतपान शीतल लेप विसर्प घृतपान शीतल लेप शीतल परिषेक मांसरस का सेवन तथा अपने दोषों के अनुसार रक्तमोक्षण आदि चिकित्सा करने का वर्णन किया गया है। जी वैद्य जी। जी इसमें देखिए वातजन्य ज्वर में घृतपान का बहुत ज्यादा महत्व है और इसमें विसर्प है विस्फोट है अभिघात पित्त का है तो इन्वॉल्वमेंट है तो घृतपान शीतल लेप शीतल परिषेक मांसरस का भोजन ऐसे बोला है और रक्त मोक्षण का भी इन्होंने बोला है। वात ही ज्वर नहीं है वात जन्य वात आदि ज्वर है इसमें ऐसे बोला है मतलब पित्त का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। आकांक्षा जी आप पढ़ेंगी टीका। प्रणाम सर। प्रणाम बताइए पढ़िए। केवल अनिलादिर ज्वरे सर्पिः पानादिकं कुर्यात् यच्च रक्त मोक्षादि साधनं यथा स्वमुक्तं तच्च कुर्यात्। जी चड्डी बाहर भीग गया थोड़ा। मनीषा मैम म्यूट रखिए। हाँ तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि केवला नीलादिविर ज्वरे मतलब वायु आदि के जो ज्वर हैं उसमें सर्पी पानादिकम कुर्यात् तो इसमें घी वगैरह का पीने के लिए करना चाहिए घी पिलाना है शीतल परिषेक करना है फिर उसके बाद में रक्त मोक्षण करना है ये सब करना है। आगे पढ़िए। हाँ अथ आगंतु ज्वर तत्र अभिघात जन्य औषध महा केवल अनिल अनिल अनिलेति केवल अनिल जो विसर्प जो विस्फोट विस्फोट जस्य ज्वरस्य तुल्य औषधत्व उक्तः किनत्व सवागंतु किंतु निज भेदः। हाँ इसमें ऐसे बता रहे हैं कि यच्च रक्त मोक्षादि साधन यथा स्वमुक्त तच कुर्यात् यहाँ पे रक्त मोक्षण आदि वगैरह करके वहां पे हमें दोषों को निकालना है। फिर आयुर्वेद रसायन बोलता है अथ आगंतुक यहाँ पे आगंतुक कृपया म्यूट रखिए बाकी लोग। तत्राभिघात जन्यम औषधम महा अभिघात जन्य जो औषध रहते अभिघात जन्य
जो बीमारी रहते हैं उसमें ऐसा औषध बता रहे हैं कि अगर केवल अनिल वगैरह है, मतलब वायु वगैरह है, वायु का उसमें अनुबंध है, पित्त का है, कफ का है, तो उसके लिए, या केवल अनिल जो केवल वायु का है, तो विसर्प जो विसर्प जैसे सिम्टम है, विस्फोट जैसे है, तो इसमें वैसे ज्वर तुल्य औषध युक्त, मतलब वैसे वैसे मेडिसिन देना है। किंतु स्व किंतु तो अवसावगंतु, आगंतु ज्वर हुआ, फिर किंतु निज भेद, कभी कभी निज वाला रहता है, कभी कभी आगंतु वाला रहता है, केवल पित्त कफामारे स्पष्ट, कभी कभी पित्त और कफ का इसमें रहता है, तब जैसा जैसा जो जो कंडीशन है उस हिसाब से हमें चिकित्सा करनी है। ठीक मतलब है, सर यहाँ पे मतलब पिट्ट से रिलेटेड जैसे जो भी लक्षण हमको दिखते हैं, विसर्प है, विस्फोट है, तो वहां पे ज्वर की चिकित्सा के साथ साथ आपको जो भी और यानी कफ या पिट्ट के जो भी लक्षण मिल जाए उसके अनुसार फिर आप उसमें ज्वर की चिकित्सा करें। हाँ ठीक है, 1 मिनट में पहले सभी लोगों को म्यूट करता हूँ, कोई आता है और फिर कुछ और आवाज लेके आता है, अब जिसको बोलना है वो लोग ही अनम्यूट करिएगा। जी आगे का 168 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, तो मैं 1 मिनट इसमें लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। आप सबके सब बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और प्राउड फील होता है कि सुबह सुबह हम लोग संहिता पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है। 168 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? ग्रह जन्य ज्वर में बलि मंत्र आदि कौन सबसे इंटेलिजेंट है? मुझे तो सब इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन कौन पढ़ना चाहता है? डॉक्टर शशि तिवारी जी आप नहीं पढ़ेंगी क्या, या डॉक्टर अदिति मैम? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, आप पढ़िए। कौन हाँ सा नंबर पढ़ूं? 168, 169। 168 पढ़ना है, ग्रह जन्य ज्वर में बलि मंत्र आदि। सर पढ़ रहे हैं, ग्रहोत्थे मतलब ग्रह उत्थे, भूत विद्योत्तम, भूत विद्या उत्तम, बलम बलि मंत्र आदि साधनम, ग्रह आवेश जन्य ज्वर में भूत विद्या, ग्रह प्रकरण में कही गई बलि मंत्रादि चिकित्सा करें। फिर है पित्त तथा विषम ज्वर का औषध, औषधि गंध जे पित्त शमनम, विष जी द्विषे, औषध की गंध से उत्पन्न ज्वर में पित्त शामक चिकित्सा करें। जी आपने किया है कभी बलि मंत्र आदि से? कल पवन जी बोल रहे थे कि मेरे पास एक मंत्र है। सर ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं दुर्गा सप्तशती की बात करूं तो जो श्लोक है, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम, तो सर्व दुखों के नाश के लिए इसको बोलते हैं देहि सौभाग्य। सौभाग्य मतलब प्रॉस्पेरिटी, देहि सौभाग्य आरोग्यम, तो आरोग्य मतलब वही बीमारियां ना हो। तो इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है और पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करते हैं तब रिजल्ट आता है। या जिसके जो इष्ट देव होते हैं, जिस पैथ सिस्टम को कोई मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी और भगवान को मानता है, या कोई किसी तीर्थ को मानता है, कुछ लोग को महामृत्युंजय मंत्र में बहुत यकीन होता है, तो आप जिस भी मंत्र को या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको अगर आप प्रार्थना करके सच्चे मन से बोलोगे कि आप मेरे विकारों को दूर करिए तो करेंगे। होता क्या है, अगर आप अंदर से स्टडी करोगे तो कोई कर नहीं पाता है, 1-2 दिन भी करता है, पहली बात तो उसके पास विश्वास नहीं होता है, तो जब विश्वास नहीं है तब वो बात उनको लगता है कि ये तो सिर्फ सिंपल सा एक मंत्र है, एक लाइन बोल रहे हैं, इससे होगा क्या, तो ये बात होती है। दूसरी बात, अपने भगवान में उतना विश्वास भी नहीं होता है, चाहे हम किसी धर्म के हैं, हम मैं यहाँ पर धर्म की बात नहीं कर, पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंसान की, क्योंकि जिन लोग के अंदर आस्था बहुत अच्छी होती है, मैंने उनको देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी बीमारियों से, बहुत अच्छे मतलब क्रिटिकल फाइनेंशियल कंडीशन से भी वो लोग निकल जाते हैं और बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं आगे, मतलब अपने ओल्ड एज वगैरह में। तो ये जो मंत्र चिकित्सा होती है, ये सारी चीजों का आधार आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, आप तो उसको कितना डिवोशन डेडिकेशन के साथ करते हैं। और एक रूल होता है एस्ट्रोलॉजी में भी कि किसी भी मंत्र का जाप करना है तो लगातार 40 दिन या 43 दिन करना होता है। तो कई बार आप देखेंगे अगर करिए तो जिनको ठीक नहीं होना होता या जिनकी लाइफ में चेंजेस नहीं होते हैं उनको 15-20 दिन बचेगा, कई बार बहुत प्रयास करेंगे 35 दिन हुआ तो ब्रेक हो जाएगा। वो जो बोलते हैं ब्रेक नहीं होना चाहिए, या हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं तप, कि जैसे अभी अष्टांग हृदय की क्लास हो रही है, तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, चलती है,
चाहे कोई फेस्टिवल हो आप क्लास लेते ही लेते हो, तो दिस इज नोन एज द तपस्या, कि चाहे जो कंडीशन है हम उस काम को करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे मंत्र के साथ भी होता है, उसको उतना श्रद्धा विश्वास के साथ करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, तब जाकर रिजल्ट आते हैं। मैंने जिन लोग के रिजल्ट आए उनको भी देखा है, जिनके नहीं आते हैं उनको भी देखा है। तो ये सारा उसका गेम होता है, या कह सकते हो किस्मत का होता है। जिसकी किस्मत नहीं सुधरनी होती है वो नहीं फॉलो कर पाता है। जैसे आपने कोई ट्रीटमेंट बोला, ट्रीटमेंट पेशेंट नहीं कर पाया अफोर्ड, या उसका सब तो नहीं अफोर्ड कर पाया कि हमें पेन हो रहा है दिस दैट, तो उसको ठीक नहीं होना है, तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। तो ये मंत्र बलि की चिकित्सा का, बलि मैंने नहीं कराया है पर मंत्र का मुझे पता है सर। शशि मैम, जी सर, शशि इसमें मारो। ना इसमें ना अपनी बोलने की भी आर्ट होनी चाहिए। पेशेंट से आप कैसे बात करते हो? मेरे पास परसों की बात है, एक हाँ पेशेंट आया, यंग गर्ल थी और उसके साथ उसकी कोई रिश्तेदार मेरे पास लेके आए। अभी हम अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, उसको एंटेरिक फीवर था, मतलब जबर था, विषम जबर, और उसको मनोवैज स्रोतस पे उसका प्रभाव आ गया, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला भी इसको बुखार बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ लेमन लैंग्वेज में ये बोलता भी, ये मोती जारा बिगड़ा हुआ है तो इसका झाड़ा लगेगा। कहता वो मेरे वो कहते हैं उसको, कहता ठीक है, इसने देखो हाँ, मैंने पल्स देखते उसको जो सिम्टम बोले वही मिल गए। तो उसने उस लड़की को बोला, देखो हमने बोला था ना हमारा डॉक्टर सही है, और उसने सारी बात बगैर पूछे ही बता दी, और इसका तो ना झाड़ा लगेगा, झाड़ा लगवाते हैं। मैंने बोला झाड़ा तो मैं ही लगाता हूँ मोती झारे का। तो मैंने ऐसे ही उसको किया और दवाई दे दिया। तो अगले दिन फिर नेक्स्ट डे एक पेशेंट फिर आया, तो उसी गांव से उन्होंने भेजा, कहते इसको झाड़ा भी लगा दो और दवाई भी दे दो। मतलब आप ऐसे भी हो जाता है कई लोगों के ना दिमाग में, मतलब आपको वही बोलने मैं का बता रही हूँ सारी सर, ये जो सारे आपका युक्ति आपने सवाल, लड़ानी चाहिए बात लोग आपकी जैसे। सही। मैं एक्चुअली में देखिए, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जो मैंने दोनों केसेस बताया, दोनों मैंने अपने घर के नोन केसेस हैं। होता क्या है कि जैसे अभी आपने बोला ना झाड़ा लगाने का, आपके ऊपर पेशेंट को विश्वास है 100% रिजल्ट आएगा। कई बार होता है कि पेशेंट को अपने आप ही नहीं होता है। जो ये मंत्र और बलि, ये दैव्य पाशर चिकित्सा होती है, या जो मनीषा मैम ने उस दिन बोला था ना, तो उस पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम थी, उन्होंने वचा और जटा मानसी का चूर्ण दे दिया। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वचा और जटा मानसी भूत अग्नि द्रव्य में भी कहे जाते हैं। मीन्स चाहे हम बैक्टीरिया वायरस को किल करने वाली बात करें, और चाहे कोई भी नेगेटिव ऑरा की बात करें। तो चूंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी और समझा है, तब मैंने जाना है कि अगर आपकी सिचुएशन ठीक होनी होती है तब आप हर चीज फॉलो करते हो। अगर आपकी सिचुएशन नहीं ठीक होनी है ना सर, आप सोचो मेरे पास क्या छोड़ दो, किसी के पास भी जाओगे ना, आप ट्रीटमेंट करोगे। कुछ पेशेंट देखे आपने, वो हमेशा 2-4 दिन पर या 2-4 महीने पर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को मूव करते रहते हैं, और उनकी बीमारी सिर्फ बढ़ती जाती है। मैं आपको बताती हूँ, मेडिकल का केस तो नहीं है, बट किसी के और चीज का ट्रीटमेंट था। बच्ची बहुत ज्यादा एज की नहीं थी, 20 ईयर्स ओल्ड थी, माँ बन चुकी थी, ऐसे 25-26 साल पहले की बात है। हमारे एक अंकल हैं, बहुत बड़ा नेम है आज की डेट में, कालचक्र पर देख सकते हो, पंडित सुरेश चंद पांडे। तो हमारे फैमिली फ्रेंड है, और बिल्कुल घर जैसा रिलेशन बचपन से है, हम लोग मतलब खेले कूदे हैं उनकी गोद में। उन्होंने मेरी सिस्टर को एक मंत्र बोला, उन्होंने बोला कि बेटा चाहे जो हो जाए 40 दिन जाप करना है, और उस लड़की ने किया। एक ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि उसका बच्चा जो है, जैसे लगता था कि अभी चला जाएगा इस दुनिया से, कुछ सिचुएशंस थी वैसी, तो वो रिवाइव कर गए थे। वो खुद आज तक उनका थैंक यू बोलती कि अंकल जी आपने ये बोला, मैंने ये किया, मेरे रिजल्ट आए। मेरे को कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, मुझे किसी और ने बोला, मैंने 3-4 बार ट्राई किया, नहीं फुलफिल हो पाया। 15-20 दिन करती थी, 25 दिन किया, ब्रेक हो गया। 2-3 बार के बाद मैंने हिम्मत हार कर छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे बस का रोग नहीं, 40 दिन लगातार करना, ब्रेक हो ही जाता है। तो ये जो मंत्र साधना होती है, अगर आपकी कंडीशंस बहुत ज्यादा बदलनी होती है, चाहे आप मतलब कह सकते हो फाइनेंशियल की हो, चाहे मेंटल स्टेट हो, चाहे जितनी चीजें हैं, इसमें चेंजेस तभी आते हैं जब आपका किस्मत बहुत साथ देता है। और अगर किस्मत से लड़ना है तो उसके लिए बहुत एक्सट्रीम मेंटल मतलब चाहिए होता है कैलिबर, वरना आप नहीं लड़ सकते। होगा क्या, मान लो शाम को करना है 7-8 बजे, आपका ब्रेक हो गया, आप सो गए, अगले दिन उठ रहे हो, तो उसकी साधनाएं भी होती है, बड़ी छोटी छोटी चीजें, पर वो ऐसी होती है कि आपकी चीजों का आपका आत्मबल देखती हैं। और आपने सर जो किया, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, वो अच्छी चीज है। आपके पेशेंट का आप में फेथ है, आपका रिजल्ट आया। मैंने अपने बेटे के लेकर आया था उसको, जब देखो तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी। मैंने अंकल जी को दिखाया, तब अंकल जी इतने बड़े नहीं थे, हो गए थे मतलब, लेकिन इतने बड़े नहीं थे कि मैं जा नहीं सकती थी उनके पास किसी बात से। मैंने कहा देखिए क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इसको टोना मारा है किसी ने।
तो मैंने कहा कर दीजिए, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था क्योंकि मैं साइंस वाली ज्यादा अप्रोच वाली हूँ शुरू से, क्यों क्यों क्यों, मैथ में भी करती थी। बट मुझे आज भी याद है कि अंकल जी ने एक बार कुछ किया, भेजा किसी के पास में उनके बच्चे के साथ में, और मेरे बेटे को उन्होंने टोना झाड़ा। उसके बाद से मुझे याद है कि वो शायद बहुत दिनों तक बीमार नहीं पड़ा था, या जो देखते नहीं लोग नजर उतारते हैं, तो नजर उतारना वाकई जिन लोग को आता है वो बहुत अच्छे से नजर उतार लेते हैं, जैसे लूज मोशंस होना, वॉमिटिंग होना। अगर आप आज से 35-40 साल पहले कंसिडर करिए, 30 साल पहले, तो गांव में लोग क्या करते थे, पहले नजर उतारते थे आप कभी भी बीमार हुई है तो, होता था ना सर? हेलो, हाँ मैम, होता होता था ना। था। अभी हम लोग नजर नहीं उतारते, जैसे बच्चों को छोटी छोटी चीजें हो जाती थी पहले हम जमाने भी में, जब हम लोग नहीं बच्चे रहेंगे तो उतारते, हमारे माँ लेकिन बाप हमारे दादा दादी हम दादा लोग के पहले नजर दादी उतारते थे। उतारते, अभी भी उतारते हैं मैम, अभी भी उतारते हैं। कमल मैम तो अभी तो मैम काला मुझे टीका लगता है लगाती है अपने लोग बच्चों जैसे को। लोग बस कमल मैम तो काला ये टीका लोग, लगाती है बच्चों को नजर के लिए। हाँ वो तो लगाती हूँ वो नजर के लिए नहीं, लेकिन अच्छा दिखता है इसलिए लगाती हूँ, लगाती हूँ, काजल का लगता है रे वो। हाँ वो टीका हम लोग लगाते हैं, जैसे एक होता था कि पुराने जमाने में कोई भी बीमार होता था तो लोग क्या करते थे, चाहे बड़ी बीमारी हो चाहे छोटी बीमारी हो, डॉक्टर की दवा चलेगी अलग और नजर अलग से उतारेंगे, या उसकी कहावत है कि दवा के साथ दुआ की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ बहुत सारे वही, घरों में ऐसा भी होता था कि कोई एक इंसान उनके लिए बैठ करके व्रत मान लेता था, उतने दिन व्रत रहता था, उतने दिन पूजा करता था। तो इन सारी चीजों के कंबाइंड इफेक्ट आते थे, अलग बात है मतलब। लेकिन एक का मैं नहीं कह सकती हूँ कि भाई ठीक है दवा नहीं करो, सिर्फ दुआ करो। तो ये सारी चीजें जो हमारे सिस्टम में थी और अभी फिर से होने की जरूरत है, पर ये फलित क्यों नहीं होती सर? उनका वही है कि आपके पास उतना धैर्य नहीं होता, आपके मतलब इंसान के पास उतना धैर्य नहीं होता है और इंसान को उतना विश्वास नहीं, तो दो चीजें की कमी है जिसकी वजह से मंत्र चिकित्सा बलि चिकित्सा काम नहीं करती है। क्योंकि हिंदू धर्म को अगर सही से देखेंगे, सनातन धर्म को, तो बलि का मतलब जानवरों की बलि नहीं होती, बलि का मतलब ऐसे कभी नारियल फोड़ना है, कभी कुछ इस तरह की छोटी हाँ मोटी चीजें हैं, और उनको लास्ट में आप किसी को दान देते हो। तो मेरा ये मानना है कि जब आप दान जाते, देते हो तो दान से दुआएं मिलती हैं, ये चीज होती है, वो लेकिन पॉजिटिव आ रहा आता है सारी दान चीज। दान करना बोलते हैं तो मैम लोग बलिदान देते हैं बकरी का वगैरह, पर वैसे नहीं रहता दान माने तो नहीं हम मैम, सब। सनातन धर्म में ये चीज है ही नहीं। अगर सही सोचे, अगर धर्म को बहुत अंदर तक घुसोगे तब पता चलेगा बीच बीच में कुछ चीजें कहाँ से आई और कौन कौन सी बलियां हैं। मेन होता है कि एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा तो मैंने जाना, दान देना होता है, और दान देने का मतलब होता है कि आप किसी भी फॉर्मेट में हेल्प कर सकते हो किसी इंसान की, फिजिकल हेल्प करना, मेंटल हेल्प करना। अब जैसे अरविंद सर हैं, अरविंद सर भी तो क्या कर रहे हैं, विद्या का दान दे ज्ञान रहे हैं ना हर किसी दे को, या रहे, आयुष दर्पण का जो फोरम है हम सभी की क्या कर रहा है, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे रहा है, और भी जो भी चीजें मतलब जिस भी फॉर्मेट में हम एक दूसरे के हेल्प कर सकते हैं, हम दूसरे को कुछ भी बता सकते हैं, तो हम हर फॉर्मेट में एक तरह का दान का ही काम है। भी लोग दान का मतलब मेजोरिटी पैसा समझ लेते हैं, पैसा सिर्फ दान नहीं होता, दान बहुत कुछ होता है। आप किसी का उत्साहवर्धन करते हुए दान होता है, किसी से प्यार से बात करते हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो दान से सिंपली क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपको पॉजिटिव बहुत अच्छी सी फीलिंग अंदर से आती है। जैसे बहुत सारे लोग बाहर से दिखाते हैं कि अच्छा फील करते हैं, बट अंदर से एक्चुअली फील नहीं करते हैं। तो जो लोग अंदर से एक्चुअली फील नहीं करते, आप उनको दिल से दान करवाइए, जितनी भी उनकी जो क्षमता हो जिस भी लेवल पर, चाहे फाइनेंशियल मेंटल जो भी, फिर उसके बाद देखिए उनका ऑरा चेंज हो जाएगा। ये चीज है मैम सर। इसलिए साधना को भी एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया हमारे सर ही, मतलब जब साधना, मतलब सर की इतनी ज्यादा साधना है कि शायद ही किसी की हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा है। और एक सदगुरु के ऊपर विश्वास इतना जरूरी होता है, क्योंकि सदगुरु से जो आपको अनुग्रह मिलता है वो यहाँ तक इतना फलीभूत होता है कि आपको उस सामने वाले पेशेंट, उस सामने वाली रोगी के अंदर क्या घटित हुआ है, पास में उसने क्या गलती की है, उसकी सारी औषधियां आ जाती है। हमारे सर हमेशा ये एक्सपीरियंस बताते हैं कि सर जब स्टार्टिंग में सर जब ऐसे ऐसे मतलब बोलते थे, और जब सर्जरी में उनको अनुग्रह दिया था और सर जो बताते थे, तो जब वो ये मेडिसिन बताते थे तो सर को मतलब इतना विश्वास नहीं होता, सर बोले अरे हम तो वापसी तब देखते हैं उसमें, ये हम देख के क्या कर लेंगे। लेकिन जब सर को वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ, तो एक्सपीरियंस होने के बाद सर ने जब वो मेडिसिन नहीं किया, मरने वाले थे, इससे मुझे ये खत्म काफी धीरे बोलना करना भी होगा मुश्किल उसी से, से। तो शॉक, मतलब उसके बाद सर की साधना पे इतना मतलब इतनी पकड़ है सर की, कि सारे मतलब सर बात से दोष नहीं, सर को पूरा सिर्फ
अनुग्रह के माध्यम से सारे मतलब पास हिस्ट्री सेशन की और सारे इवन सारी औषधियां सचिन आदि में आ जाती है और वो सर पूरा एक अलग से योग बनाते हैं औषधियों का। तो इसलिए उस पर विश्वास करना और उसको अनुग्रह करके अपने जीवन में उतारना भी बहुत बड़ी बात है ना। वो ये जैसे कल अंजना मैम कर रही थी कि मेनोपॉजल की बात थी तो कह रही थी कि चल रहा है रिसर्च की मतलब जो लोग रात में जल्दी सोते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, तो मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग मेनोपॉजल साइन सिम्टम पढ़ते थे मैम, मुझे याद है कि जब हम कॉलेज में थे 2004 की बात है, तो मेनोपॉजल के या पीसीओडी के या मेजोरिटी डिसीज के पेशेंट सिर्फ हम बुक्स में पढ़ते थे, हमें अपनी मतलब ओपीडी में नहीं मिलता था या हमारे हॉस्पिटल में हो सकता था कि रेयर केसेस आते थे, पीसीओडी के पेशेंट ढूंढने पड़ते थे। तो अगर सही सोचा जाए तो लॉन्ग टर्म हम सोच नहीं पाते थे, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है अभी 18 साल का वक्त हुआ है, बट इस 18 साल के वक्त में आपको पता है कि आज की डेट में पीसीओडी की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल का सारा चेंजेस का हिसाब किताब है, चाहे हमारा सोने जागने का पैटर्न है, चाहे हमारे खाने पीने का, जो भी है बहुत सारी वजह है। और मेनोपॉजल भी हम पुराने जमाने में मम्मी लोग को मेनोपॉज जब हो जाता था या उस जनरेशन के और सारे लोग को, तो हमें नहीं याद है कि घर में कभी किसी को होता था कि इनको मेनोपॉजल स्टेज में है इसलिए ये ज्यादा पैनिक हो रही है या इनको ज्यादा गुस्सा आ रहा है या इनको हॉट फ्लशेज हो रहे हैं, दिस हो रहा है दैट हो रहा है। 90% लेडीज का मेनोपॉज कब हो जाता था, बल्कि वो मेजोरिटी खुश हो जाती थी कि चलो भाई अब इस तरीके से झंझट से छुटकारा मिला और अब हम कोई पूजा पाठ करना है तो हमारे पास कोई बाउंडेशंस नहीं रहेंगी। अभी क्या होता है मेनोपॉजल इस ग्रुप में लेडीज घुस नहीं रही हैं कि 40 की हुई नहीं कि उनके दिमाग में टेंशन शुरू हो जा रहा है कि ये पता नहीं ये होगा वो होगा मेरी बॉडी के साथ में पता नहीं क्या क्या हो जाना है, कैल्शियम नहीं बन पाएगा, बट क्या सोच सोच करके उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे लगता है एग्रीवेट कर दिया है और जो लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं सो है ही। तो कई बार बोलते नहीं बहुत ज्यादा ज्ञान भी बहुत ज्यादा डायलेमा क्रिएट करता है माइंड में, तो पेशेंट के माइंड में अभी बहुत डायलेमा है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, आगे आप लोग कुछ ज्यादा जानते हो सारी चीजों को, तो ये है सर। मैम वंदना मैम अपनी मंत्र चिकित्सा पे अपनी कुछ प्रकाश डाले, वंदना मैम बहुत ज्यादा धार्मिक है सर, आप भी बहुत धार्मिक हो और सर आपकी पकड़ जो है ना पेशेंट की बड़ी सही है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा अदरवाइज नहीं लीजिएगा, जो लोग बोलते हैं ना दुखती रख पकड़ना, तो पेशेंट को एक्चुअली कहाँ से मतलब पिन पॉइंट आप पकड़ते हो और फिर आप ट्रीट करते हो, तो आपका ये जो है उसके लिए और पर्टिकुलर वर्ड आयुर्वेदिक क्या यूज करेंगे मुझे नहीं मालूम है, युक्तिपूर्वक चिकित्सक तो हो ही, तो उस वजह से आपके पेशेंट का सर मुझे लगता है कि आपके ऊपर मतलब भगवान की तरह विश्वास है, दे एक्ट मतलब थिंक यू आर ए गॉड, तो इसलिए आपके पेशेंट आपसे बहुत जल्दी ठीक होते हैं, जैसे आपको झाड़न नहीं आता था आपने किया, ये बहुत बड़ी चीज है सर। तो मैम अगर मैं उसको ये नहीं बोलता तो वो मेरे से मेडिसिन भी ना लेती और वो कहीं और झाड़ लगा, वो मुझे पता है देखिए वो होता है सब कुछ होता है पर हर किसी के पास ये विधा नहीं होती है, ये भी बात मानो आप, तो आपका ये बहुत अच्छा है। हाँ जी सर, जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं ना, तो योग रत्नाकर में पहले अध्याय में एक श्लोक आया है कि जब हम पूर्व संचित पाप कर्म से प्रक्षालन मानना चाहते हैं तो योग यज्ञ हवन करके दान करना चाहिए तो ही आपसे उससे छुटकारा मिलता है। तो अंजना मैम से भी पूछना था ये सही है क्या, तो उसमें एक लाइन मैम एस्ट्रोलॉजी में तो ये चीज कराते हैं जैसे किसी को बच्चा नहीं होता है तो हाँ। वहां पर दान पुण्य का कंसेप्ट है, वहां पर ये होता है गाय की सेवा का बहुत कंसेप्ट है, जैसे हाँ। आपको मैं बताऊं इनफर्टिलिटी तो छोड़ो, जेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, बीमारियां होती हैं खास करके स्पर्म से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है या कह सकते हो कि वाइटल फोर्स जो भी है उनको प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा बोली हुई है, तो गाय की सेवा उनको करना ही करना होता है और वो भी दिल से करना होता है और बहुत जल्दी उनकी शादी भी नहीं हो रही ना किसी मेल की, आप उसको बोलो गाय की सेवा करे, तो हिंदू धर्म शास्त्र में तो ये चीज है, जो लोग ये काम नहीं कर पाते हैं वो गौशाला वगैरह में दान देना या जहां से जो जो जिस लेवल पर कर सकते हैं उस तरीके से करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में तो है और आयुर्वेद में भी है। अब रियल में कितने लोग करके क्या क्या रिजल्ट गेन किए मैंने आपको वही बात बोली, अगर आप विश्वास के साथ करते हो तो रिजल्ट आते हैं मैम, अगर आपने कहा कि चलो यार गौशाला में देना है मेरा तो इतना अमीर हूँ या मेरे पास इतने पैसे है चलो मैं दे देता हूँ ठीक है हर महीने देने ही तो है, फिर रिजल्ट नहीं आते हैं जैसे अपने आया था रेफरेंस तो मुझे लगा कि हमारे अवार्ड सर भी ये बोलते थे लेकिन मुझे उस टाइम पे पता
लगता नहीं था, ये हवन वगैरह करने से क्या होता है ऐसे लगता था मुझे, लेकिन जब मैंने योग रत्न कर पढ़ा तो उसमें लास्ट लाइन फर्स्ट अध्याय में बताई है कि जिनका कोई कारण नहीं होता सब अच्छा रहता है, तो उस टाइम पे दान धर्म करना चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए ऐसे बोला है उसमें। तो यही मैम से भी पूछना था, यही सही है क्या और कौन सी तरह से? मैम आप खुद हवन करते हो कभी भी? अग्निहोत्र करता है हम में से कोई? क्योंकि मैं अग्निहोत्र प्रमोट करती हूँ मैम। मैं कभी कभी जैसे ऑफिस में मैंने अपने सेंटर में पूजा कराई, मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो जिस दिन मेरे सेंटर की पूजा का टाइमिंग था तो हुआ क्या कि घर में सबका अपनी दिनचर्या अलग अलग है, पंडित जी ने बोला 8 बजे एग्जैक्ट पूजा हो जानी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जितनी व्यवस्था हो सकती है हम मार्केट वाली सारी चीजें ला देंगे। ठीक है, अपने सेंटर की होने तो वाकई में बहुत एक्साइटेड अंदर से तो होता है ना बंदा। तो जब समिधा जली मतलब अग्नि जब प्रज्वलित हुई तो बड़ी अच्छी प्रज्वलित हुई। तो पंडित जी ने बोला कि देखो आप, उन्होंने बोला जजमान बोलते हैं ना अपने लोग के लिए, तो उनका देखो जजमान बहुत खुश है तो समिधा भी उस तरीके से जली है। तो अगर आप हवन वगन करते हो अपने लेवल पर, चाहे पंडित जी को बुला कर करो, हालांकि पंडित जी को बुला पर अच्छी फीलिंग आती है। अगर मंथली कोई कर सके, जैसे पूर्णमासी दिन करते थे हमारे घर में डेली होता है आज भी, मतलब 30-35 साल की परंपरा है, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे आप किसी को कुछ देते हो, मान लो अनुरिता मैम आपने आपका मंथली अपने ऊपर 50,000 रुपए खर्चा करते हो, उसमें से 5,000 निकालो और किसी जरूरतमंद को दे दो, तो वो जो 45,000 अपने ऊपर खर्चा किए वो शायद उतना हैप्पीनेस नहीं फील कराता है जो 5,000 आपने दिया, मतलब अंदर से कंटेंटेड फील होता है, संतोष आता है। तो ये चीज यही पूजा पाठ में होता है। जैसे मैंने शुरू में चाहा था मेरे सेंटर पर कि हर महीने एक बार पूजा जरूर हो, हालांकि नहीं हो पाया, बट पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भी इंसान करता है इस तरीके से, हवन जलाता है उसमें, मतलब क्या बोलते हैं जो हवन में डाला जाता है, वर्ड देखो पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, जो डालते हो आप उसके लिए भी एक वर्ड यूज होता है। तो जब आप ये सारी चीजें डालते हो तो डालते हो ना उस चीज को, तो एक अंदर से इतनी अच्छी सी फीलिंग आती है। मैं उन लोग की बात नहीं कर रही हूँ जो नास्तिक होते हैं या जिनको ये सब सारी चीजें वेस्ट ऑफ टाइम लगती है, उनकी बात नहीं, लेकिन नॉर्मल इंसान सोचे तो उसको पूजा पाठ करके अच्छा ही लगता है। आप 1 मिनट बैठो 2 मिनट बैठो वो तो ध्यान वाली बात होती है, बट रिचुअल्स परफॉर्म करने की जो बात है तो रिचुअल्स भी बहुत अच्छा आपको फुलफिलमेंट देते हैं अगर आप करते हो, मेरा ये मानना है। अग्निहोत्र मैम हम में से हर कोई कर सकता है, उसमें तांबे का पात्र रहता है, अग्निहोत्र के सेंटर्स होते हैं जो तांबे का एक छोटा सा हवन, उसके साथ में एक छोटा चम्मच, उसके साथ में एक छोटी सी प्लेट रहती है, और जो हमारी ये जो गैया है उसकी जो ये रहती है पौले उसको यूज करके, और जो संपूर्ण शीत का जो रहता है सूर्य उदय और सूर्यास्त के वक्त में सिर्फ 2 लाइनर मंत्र है जो इजीली आप कहीं पे भी नहा के आप कर सकते हैं। यूजुअली मैं जो उन्मंत्र, क्योंकि मैं ग्रह बाधा और ये चिकित्सा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं बेटे के 8 मंथ तक मैंने किया हुआ है, लेकिन कुछ अनुभव है ऐसे कि जिसकी वजह से मैं बहुत, मैंने बताया मेरा एक्सपीरियंस मरते मरते बचे, तो अभी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन काउंसलिंग है, माइंड डीलिंग है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मेडिटेशन, और इसमें पर्टिकुलरली आई एम अ मेडिटेटर माइसेल्फ, षट चक्रों पे काम करती हूँ मैं। तो आप ये अगर करते हैं किसी भी घर में तो आप जो बोल रहे ना अच्छा लगता है, तो हम में से जो भी, मैं आस्तिक नास्तिक की बात ही नहीं करूँ, मैं खुद नास्तिक थी, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर एनर्जी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। जैसे हमें एक साइंस मालूम है, आयुर्वेद है, एमबीबीएस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, वैसे एक मेटाफिजिक्स है जो हम अभी तक नहीं जान पाए। जो मेटाफिजिक्स है मतलब सिंपल, अगर हम में से कोई चैलेंज करता है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है मुझे बताओ, तो मैं सीधा बोलती हूँ आप तार कट करो, चालू तार को कट करने के बाद में चू के देखो, यू विल अंडरस्टैंड। या मैम यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, व्हेन सामने वाला, वो सही बात है मैम। सो दैट इज द थिंग कि व्हेन वी आर एनर्जी, हमारा उगम, हमारा जो आद्य है, शुरुआत है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं कि हमको किस फैमिली में आना है, हमारा अंत हमारे हाथ में नहीं है, हम कौन से वक्त में कौन सी वक्त हमारा कौन सा क्षण आखिरी होगा ये अगर हमारे हाथ में नहीं है, और हम उसके बीच में जो चलने वाला वक्त है उस जिंदगी को अगर हम टैकल करने वाले आयुर्वेद वैद्य चिकित्सक अगर कहते हैं, वी आर डीलिंग विद साइंस, यू हैव टू नो द पावर ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हमारी भी कम होती है, नेगेटिव वाइब्स होते हैं, हम इतने ज्यादा टैकल करते हैं, हम दूसरे का इतना स्ट्रेस सुनते हैं मैम, because being a critical consultant last 25 years I really have not lived my life, after 40s I started living my life, to uska value samjhiye ki we are also energy,
हमें भी एक आत्मा है और उस आत्मा की कुछ चाहते रहती है। हम जो प्रोटोकॉल में चलते कि हमें हमेशा डॉक्टर के रोल में रहना, हमें हमेशा इसी एटीट्यूड में रहना है, तो वो क्या हो जाता है, हमने वो लादी हुई चीज होती है। आप कभी है ना फ्रीक आउट करिए, जिस दिन बहुत बॉदर हो जाती है उस दिन बस कुछ नहीं, भाई जो अगला पेशेंट है उसको वेट करा और मैं आधे घंटे के लिए नहीं हूँ। बाहर जाके आप कुछ चाय कॉफी, आपका फेवरेट कोई चीज है, अपने दोस्त के कोई आइसक्रीम खा के आओ, या फिर आपको कोई म्यूजिक सुनना है, यू चिल आउट फॉर अ फ्यू मिनट्स, दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। तो आपको दिखेगा कि आपको वो वाइब्रेशन जो भी है, आपको दिखते कोई लोग बहुत पॉजिटिव ऑरा के होते हैं, वो सुनते हैं या उनसे बात होती है या उनके बाजू में भी आप बैठते हैं ना, जो हमारे शास्त्र है। लेकिन क्या है, हम अगर गीता बोले तो कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन हम अगर प्रैक्टिकल साइकोलॉजी एंड एमबीए का नॉलेज बोले तो वो, जब वेर एज यू वेरी वेल नो आर प्रैक्टिकल एमबीए पर्सन इज कृष्णा, अगर किसी ने कृष्ण कथा या कृष्ण पढ़ा है। हाँ जी मैं एक्चुअल मैं इन चीजों को बहुत फॉलो करती हूँ। मैंने कुरान से लेके सारा चीज मैं सिर्फ साइंटिफिक व्यू के लिए पढ़ती हूँ, आई डोंट सी रिलीजन। मेरा जो पंथ है, मेरा जो एनजीओ है, वो इसी के लिए काम करता है। देयर शुड बी ओनली वन रिलीजन, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। दैट्स द रीजन आई हैव ऑल द ऑर्फन्स एंड ऑल अनसपोर्टेड गर्ल जो है वो किसी भी कास्ट क्रीड के बेस पे नहीं लेती, मैं उनको मदद नहीं करती। तो यही हमारी ट्रीटमेंट के पक्ष में ये जो सामने लिखा है, काय बाल ग्रह उद्वांग शल्य दृश्य जरा भूषण, तो उसमें से ये एक वो चीज है कि हम इस पे अगर काम करें तो सबसे पहले हमारी जो भी वो आंतरिक शक्ति और आंतरिक शुद्धि, इसके लिए डेली हमें जो काम करना है, तो उसमें वन ऑफ द पार्ट इज दैट कि आप अगर हवन करते, आप अगर पूजा करते, देखिए पहले मंत्रोपचार से हम मोटिवेट होते थे, क्योंकि वो रिपीटेडली जब आप करते तो वो एनर्जी जनरेट होती है। जैसे ओम के बारे में अभी सबको मालूम है, द पावर ऑफ सन इज ओम, दैट इज अ प्रैक्टिकल वर्ड विच इज इवन मतलब जो साइंटिस्ट लोगों ने भी ढूंढ के निकाला कि वो जो डेसिबल्स है जब उसको सुना जाता है तो उसमें से ओम ही निकलता है, और हमें उसका शास्त्रीय कारण भी मालूम है, हमें उसका धार्मिक कारण भी मालूम है, लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिकली नहीं करते। मैं बहुत प्रैक्टिकल फॉर्मूला अपनाती हूँ। मैं सामने जो भी है पेशेंट को बीपी चेक कराती हूँ, बीपी चेक कराने के बाद में उसको ओंकार कराती हूँ, ओंकार कराने के बाद में विद इन 15 मिनट्स उसके ब्लड, वो लो बीपी है या हाई बीपी है, उसको मैं बोलती हूँ अगर तेरे पास में पैसा भी नहीं है तो यू टू गिव मी टाइम, यू टू लिसन मी 100%, अगर आपने फॉलो किया, अगर आप मेडिटेटर है, अगर आप अच्छे मंत्रोपचारक है, अगर आप बहुत जैसे पवन सर बताते, बिकॉज मैं नौनाथ पंथी हूँ मैम, मैं सालवे फैमिली मढ़ी करके महाराष्ट्र में एरिया है, तो वहां पे जो शाबरी विद्या वगैरह है उस पंथ को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, उतना तो नहीं मैं हासिल कर पाई बिकॉज वी आर फैमिली होल्डर्स और इतनी सारी जिम्मेदारी में तो वक्त नहीं मिलता, लेकिन बेटे के वक्त में मैंने जो 13 अध्याय वगैरह पढ़े थे और कुछ ऐसे अनुभव है कि जब आप इन ट्रीटमेंट पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो जो मानस चिकित्सा है, जो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी चिकित्सा करते हो, जब आप किसी को संस्कार देते हो, तो ये सारी चीज अनुभव आते हैं। तो इसके लिए खुद को शुद्ध रखने के लिए, खुद को पावरफुल रखने के लिए, यू शुड इंक्रीज योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जिसके लिए ये सारे अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग प्रोसेसेस है, इट में भी मंत्र, इट में भी अध्यापन, जो अरविंद सर करे वो भी एक पूजा पाठ ही है, मेरे लिए तो वो एक ऐसी भक्ति है। इट इज नॉट एट ऑल अ इजी साइन कि सर 6 बजे 4 बजे मुझे नस्य देते हैं, पेशेंट्स को डील करते हैं, और उसके बाद में 7 बजे इतनी पावरफुल लैंग्वेज में वो सारा चीज, मतलब अपनी धीधृति स्मृति से सब कुछ करवाना, इट इज नॉट पॉसिबल मैम, अनटिल अनलेस योर आत्मा इज समरूप विद योर बॉडी। या तो इट इज नॉट एन इजी, सर को बोला था मैंने, कहा सर आप कुछ अलग से चीजों और आपको कहीं और जाना है, एक बार मैंने किसी बात पर बोला था, मैंने कहा, और इसीलिए मैम ये लोग जो है ना मैम, ये अलग ही कैटेगरी के रहते हैं, जो हमारे कॉमन षड्रिपु में अटके हुए लोग हैं उनका और इनका नहीं जमता है, क्योंकि हम बहुत अलग होते हैं, हम प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैम मैं आपको रियल केस बताती हूँ अपने एक पेशेंट का, दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे पेशेंट थे, वाइफ का फैटी ग्रेड लेवर 3 था और हस्बैंड का 2 था, तो हस्बैंड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि उनको मंदिर उंदिर जाना नहीं पसंद था, मेरे सेंटर से निकलते ही 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर मंदिर था, उन्होंने कहा सर आप लोग यहाँ से जाते हो शाम को 7 बजे मंदिर का दर्शन करके जाया करो, चलो उनको नहीं पसंद था, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हमारी सोसाइटी में एक आए हैं इसी तरह का कुछ ध्यान उनका आते हैं, अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आप वहाँ आइए बैठिए सर, आपको थोड़ा सा सूथिंग इफेक्ट लगेगा, क्योंकि उनको प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम थी, बीपीएच भी था, हालांकि ट्रीट किया मैंने, ठीक हो गए सारी चीजें, बट थोड़ी टाइम लगी, मैं जितना जल्दी चाहती थी उतना जल्दी नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर आप वहां पर ऐसे चले जाओ जैसे मूवी देखना होता है, मूवी देखने में टिकट लगती है आपकी 500-600 रुपए के लानते के एटलीस्ट, तो आप टिकट के पैसे दे दो, अगर नहीं भी पसंद है तो आप 1 रुपए मत दो, मैं कभी नहीं कहती आप किसी मंदिर में 1 रुपया दान दो, बट आपका दिल कहता है कि नहीं मुझे देना चाहिए तो दो। तो बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, मैं तो ये भी कहती हूँ सत्संग आप एक मंदिर उसकी तरह कर लो, मूवी देखने की तरह,
अगर सत्संग में अच्छा लगता है तो वही मूवी देख लिए, सुकून तो मिला ही ना और कुछ लॉस नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है। बराबर बराबर। बट कुछ लोग को वो भी नहीं समझ में आता है, उनको पता नहीं लगता है कि क्या ढकोसला है, क्या नौटंकी है, वो नहीं समझ सकते। उनको आप एडवेंचर घुमा उमा लाइए तो शायद हो सकता है पसंद आए। और मैम आपकी बात से मुझे याद आया अग्निहोत्र वाला कंसेप्ट, आप बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, हमारे यहाँ तो यूपी वगैरह में कल्चर था, उस डेली घर में जो पूजा मेन लेडी करती थी ये अग्निहोत्र करती ही थी, डेली हर घर में होता था, और अभी भी शायद गांव में कुछ घरों में डेली होता है ये चीज। अब हम लोग के कल्चर में तो नहीं है, मतलब हमारे रिचुअल्स में डेली नहीं रह गया, बट कुछ लोग अभी भी करते हैं, और मैंने अपने बचपन में देखा है लोगों के वही गाय का जो उन्माद और अपस्मार की ट्रीटमेंट में मैडम, और जो प्रीशियस बेबीज रहते हैं, मतलब अभी इनफर्टिलिटी के बाद में, कंसीव होने के बाद में, मैं ये भी चिकित्सा जरूर बताती हूँ कि ताकि उसकी वजह से संस्कार भी अच्छा रहता है और पेशेंट का जो हार्मोनल एक्सिस है टिल डिलीवरी ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसकी वजह से मैं अग्निहोत्र कराती हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल है। अगर वो नहीं नहा के कर पा रही है तो मैं बोलती हूँ घर का कोई भी एक फैमिली मेंबर, सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है घर का वहां पे, क्योंकि हर जगह पिरामिड तो नहीं होता है, वहां पे बैठ के करें। जरूरी नहीं कि आपने भगवान के सामने ही करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा फायदा देता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट में आपको जो भी उन्माद है, अपस्मार है, या जो साइकोलॉजिकली इवन सेरेब्रल पाल्सी वगैरह पेशेंट है जिनकी फैमिली में एक ही बच्चा, और वो भी इस तरीके से जहाँ पे ग्रह का आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ पितृदोष नहीं तो ग्रह दोष ऐसे है, तो वहां पे कराइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट इट ऑल वर्क्स ऑन टू एनर्जी मैम, बिकॉज जो फ्यूम्स जो भी उसमें से स्टडी किया गया है उसके पॉजिटिव वाइब्स हमारी बॉडी, हमारी माइंड और हमारे हार्मोन्स, इनको बहुत जल्दी, देखिए कोई भी व्यक्ति है उसको मंदिर में जाने के बाद में नहीं, आप किसी, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप प्रैक्टिकल करें नहीं करें, अगर आपको अनसाइंटिफिक लगता है तो ना करें, बट डोंट टेक इट पर्सनली। आप चर्च में जाके बैठिए खाली बैठ के, और आप मंदिर में जाइए या गुरुद्वारा जाइए, वहां पे जाके आपके मन में सुसाइड करने का, किसी के बारे में गुस्सा, किसी के बारे में ये आपके अंदर आता है क्या? नहीं आता नहीं है। एक्चुअली उसका वहां वजह का क्या ऑरा है? इतना पॉजिटिव होता है ना, द रीजन मैम, उसे क्योंकि हर कोई भगवान देखना चाहता है, हर एक ही हाँ हर मनसा कोई रखती है। भगवान। दूसरी बात, वहां का बोला एग्जैक्टली जाता है कि एग्जैक्टली इतना दिन भर जो पूजा पाठ होता है, तो दिन भर या अगर कहीं पर भी पूजा पाठ हो रही है, पूजा पाठ मतलब किसी भी धर्म का है, सिर्फ हिंदू धर्म की मैं बात नहीं कर रही, जहाँ के जो रिचुअल्स जहाँ परफॉर्म किए जाएंगे वहाँ एक पॉजिटिव ऑरा होगा ही। और जो आपने कहा कि वहां पर बैठकर आप किसी के बारे में बुरा तो नहीं मैम सोच रहे यही हो, मंत्रोपचार की वजह से, या हमारे जो भी ये हाँ शास्त्र में बताए रिचुअल्स, उसकी वजह से सबकी जो भी ध्यान धारणा है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कराई जाती थी, जिसकी वजह से दूसरे कोई विचार ही नहीं आते थे। और फिर हाँ हम हमारे जो भी होता पांचों इंद्रिय है उनको पूरी है। तरह से काबिज करके हम कोई भी चीज साध्य कर सकते हैं। बस यही इसके पीछे का साइंस है कि हम अपना ऑरा, हमारे मानस विचार चेंज करते हैं तो उसके बाद में भी फोकस हमें जो अचीव चाहिए, तो दैट यू गेट वेरी गुड। वो तो है मैम, वो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इंसान को अगर बहुत अच्छे से एनालाइज करो तो इंसान बैठकर सोचता रहता है दिन भर, और सोचने में मेजोरिटी 90% ही नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और उस थॉट की वजह से बीमार है, तो मेन ही चीज है। और उसके लिए अगर हम मंत्र का, जैसे पुराने जमाने में बोलते थे ना, बैठे हो तो राम राम जपते रहो, तो अगर भगवान का नाम लोगे तो एटलीस्ट वो जो 90% नेगेटिव दिन भर सोचते हो आप उससे तो निकलोगे ना, जब उससे अंजना निकलोगे मैम तो आपके बीमार एक्सपीरियंस होगे। बताइए ना, अंजना मैम के गायनेक के कुछ एक्सपीरियंस होंगे तो बताइए, हाँ क्योंकि मैम ये बताएं चिकित्सा प्लीज, मैम यूज करती है, और वंदना मैडम भी। मैम प्लीज आप दोनों लोग बताइए। अंजना मैम है क्या आज? नहीं है अंजना मैम, छुट्टी पे है। वंदना मैडम तो होंगी ना सर, वो तो बहुत अच्छे वंदना ऑरा मैम में तो बता बैठती सकती हैं, वंदना मैम का नाम ही वंदना है। है। अनृता मैम, मैं आपसे थोड़ी सी पूछना चाह रही थी, कौन से पर्टिकुलर मंत्र आप कहेंगी जो हम उन्माद के पेशेंट के लिए उसको सजेस्ट करें? मैम मैं यूजुअली, क्योंकि देखिए हम आपको सिखा पाते हैं या आप करते हैं कि नहीं, मेरा जो भी है गायत्री मंत्र और सिंपल ये रहता है क्योंकि मैं मेडिटेटर हूँ, लेकिन पेशेंट को बताते वक्त में कुछ गलती ना हो तो इसलिए वो चीज जो पावर आपकी इसे करते हैं, अग्निहोत्र की सिंपल दो लाइनर्स है कि जो आप सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त में, और इतना सिंपल है उसका ये चीज ना, सब कुछ रेडीमेड आता है उसकी संविधा से लेके, और संविधा में कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ जो गाय के उपले है और गाय का घी और पूरी तरह से जो पूर्ण अक्षता रहती है उस, इसमें मैं वो जो दो लाइनर है वो भी मंत्र आप फॉरवर्ड कर दूंगी। लेकिन अगर आप नहीं मंत्र बोल पाते हो आप लगा दीजिए, अभी तो ऑडियो विजुअल और ये इतना इजी हो गया है। जैसे मेरे क्लिनिक में मेरी ट्रीटमेंट ही, मतलब मैं खुद भी जब पूरी तरह से डी एनर्जेटिक हो जाती हूँ तो उस वक्त में मैं ओंकार और मेरा मेडिटेशन और मैं सेल्फ हिप्नोसिस भी करती हूँ, तो उसके बाद ही मैं पेशेंट को हाथ लगाती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा इल फीलिंग या हमारे अंदर की उद्वेग जो है, वो भी चीजें पेशेंट को दिक्कत, आप जब अगर आप नाड़ी वैद्य है तो ये जरूर कीजिए,
मैं नमक पानी का ट्रीटमेंट बोलती हूँ, जिसमें आपका पूरा नेगेटिविटीज आपकी बॉडी से, जो भी वो पानी में जो नमक डालते हैं, बड़े नमक का ट्रीटमेंट रहता है, तो वो भी चीज मैं बोलती हूँ। तीसरी चीज रहती है त्राटक। क्या होता है मैडम? जो सहज योगी है वहां पे सिखाया जाता है, एक आपका पते जो भी बड़ा कोई यूटेंसिल लेके या फिर अपना बकेट ले लीजिए आप रात में, जब भी हम में से हर कोई कर सकते हैं, इट इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट दिस थिंग। बड़ा वाला जो नमक रहता है, जो खड़ा नमक जिसे बोलते हैं, उस नमक को हमारी जितना फिस्ट के अंदर आए उतना नमक पानी के अंदर डाल दो, लेकिन एक अच्छे पानी का छोटा यूटेंसिल और एक मग और एक पोंछने का तौलिया खुद लो। ये ट्रीटमेंट किसी और से नहीं करवानी है, हस्बैंड वाइफ को नहीं बोलना है, बच्चों को नहीं बताना है, बिकॉज इसमें हमारी नेगेटिविटीज निकलती है। मुझे उसका अनुभव आ चुका है, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से सर्वाइव हुई हूँ उस वक्त में जो मेरे ऊपर चिकित्सा उलट गई थी, तो इसकी वजह से मैं आज भी वो केयर करती हूँ, बिकॉज आई लव माई लाइफ। तो उस वक्त में आप अपना पानी लीजिए जहाँ पे अपने एंकल तक डूबे, आप जब बैठे हो तो आप कोई भी, जैसे हर लोगों को मोबाइल देखने का टीवी का आदत है, अगर मेडिटेट करे तो बहुत अच्छा, नहीं मेडिटेट करे तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पे जिस सोफे पे बैठे हो वहां पे बैठो, 10 से 15 मिनट तक पैर अंदर ये करो, अगर आप 11 बार या 21 बार ओंकार बोलते हो तो और अच्छा, नहीं बोलते हो तो आप लगा दो, और उसके बाद में अगर बाय चांस नहीं आपका सब लोग जो मतलब आपको सेपरेट ऐसे ये नहीं मिलता है जगह, तो कॉमन इसमें भी आप बैठिए, लेकिन 15 मिनट के बाद में जब नमक वाला वो पानी से आप पैर निकालो तो बकेट के बाहर मत निकालो, उस पे अच्छा पानी डाल दो, मतलब आपके पैर धो लो खुद, उसके बाद में उसको पोंछ लो, फिर जमीन पे रखो, और उसके बाद में वो जो पानी है जिसके अंदर हमारा एक ऐसे समझिए कि आयनिक फॉर्मेट में हमारा नेगेटिविटी निकला होता है, जो भी हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इसका बैलेंसिंग के लिए बताती है ट्रीटमेंट में, तो फिर उसके बाद में उस पानी को आपको लिटरली टॉयलेट में फेंकना है, उसको ऊपर कहीं छिटकना नहीं है, कहीं ऊपर गिरे नहीं वो, तो सावधानी से उसको डाल दो और उसके बाद में फ्लश आउट कर दो। उसके बाद में आप देखिए आपको नींद अच्छे से आती है, आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, और खड़े नमक में आज भी वो ताकत है, अगर बाय चांस खड़ा नमक नहीं मिलता है नॉट एन इश्यू, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने 7 डेज टू 11 डेज ये किया तो आपको दिखेगा आपकी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें करना मैम, रात मतलब ये सोने जाने से पहले का ही प्रोसीजर है ये। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप वो भी कर सकते हैं, या फिर जैसे भी जो लोगों का मानस चिकित्सा जो है मैम वो आभ्यंतर ट्रीटमेंट के लिए बहुत कॉपरेटिव नहीं रहते हैं, और दूसरा चीज अकेले रहते हैं, काफी लोगों का क्या रहता है मैम आज का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो भी न्यूक्लियर लाइफस्टाइल, इसमें डिप्रेशन में जाने वाले लोग हमेशा अकेले रहते हैं, दे डोंट हैव देयर शेयरर्स, और अभी यहाँ पे किसी को मालूम है कि नहीं बट देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड विच इज लॉन्च इन टू 85 कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बुक। उस ह्यूमन बुक की डेनमार्क में ऐसे है कि जो लोगों को मोटिवेट करना है डिप्रेशन से बाहर निकलना है, उनको वो जो लोग अपनी स्टोरीज बताते हैं वो पर्सनली मिलते हैं और बातचीत करते हैं और उनकी अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं, जो कि मोटिवेटिंग रहती है और डिप्रेशन से बाहर निकालती है। तो ये जो बोलते हैं इसे ह्यूमन बुक करके कंसेप्ट है, मतलब ये ऐसा कंसेप्ट है कि जो लोगों को आज ये मोबाइल पे तो बहुत सारा आपको प्रेजेंस दिख जाता है, लेकिन ये सारी चीज में हम अपना शेयरिंग अपना फीलिंग से मिलना बहुत अलग है। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो हमारे मतलब हमारा शास्त्र कितना शाश्वत है, नहीं आपको हर एक चीज में पता चलेगा। ये ट्रीटमेंट करके देखिए, 7 डेज भी आप कंटिन्यूशन में करते हैं, नहीं कंटिन्यूशन में करते हो तो जिस दिन आपका पाल्पिटेशन है, जिस दिन आप डिस्टर्ब है, आपने बहुत खतरनाक मतलब खराब पेशेंट देखे कि जिसको सुनने के बाद में आपका ऑरा कम हो जाता है, आप डी एनर्जेटिक हो जाते हो, और अगर आप नाड़ी वैद्य हो तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर कुछ दिन अगर आपने किसी की नेगेटिविटी पकड़ ली तो आपकी खुद की एनर्जी कम हो जाती है, तो उसको रिवाइव करने के लिए बहुत प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है। ओके यस मैम, थैंक यू मैम। तो मतलब अग्निहोत्र का मंत्र मैं उनको भी बता सकती हूँ पेशेंट को? या मैम, मैं आपको शेयर करती हूँ अग्निहोत्र का पूरा, यहाँ पे महाराष्ट्र में तो सेंटर्स है और उसमें सारा चीज वो सेटअप मिलता है, ऑनलाइन भी शायद मिलता है। बिल्कुल, और कैसे मैम प्रैक्टिकल है ना, तो हर जगह पे वो जब शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली फैमिली में घर में वो वाइब्स आने लगते हैं लोग। मैं मैडम मेरे क्रिश्चियन पेशेंट से भी करवाती हूँ, मेरा मुस्लिम पेशेंट से भी करवाती हूँ, मेरा ओंकार और ये सारी चीज पे बहुत साल से काम हुआ है। ओंकार तो लगाना मेरा नियम है। या लेकिन मैम जो रिजिड रहते हैं मैं उनको अल्लाह अकबर भी करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन मेरा उसके पीछे का सिंपल एक मकसद रहता है कि यू शुड फोकस कायिक वाचिक मानसिक और जो भी शाब्दिक हमारे पांचों इंद्रियों को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके उसकी पावर को बढ़ाना। तो हमें व्हाइट स्पॉट के पेशेंट्स को संडे को व्रत रखना है, संडे को सूर्य को जल देना डेली, ये भी थोड़ा सा रिचुअल्स में ही फॉलो करते हैं। थोड़ा वंदना मैम का सुन लेते हैं। यस मैम, आप लोग थोड़ा मुंह को आराम दीजिए, कंटिन्यू बोल रही है अनुरिता मैम, कंटिन्यू बोल रही है, तो फिर ऐसे ज्यादा बोलने से फिर वायु का प्रकोप हो जाएगा सर, नस्यम का इफेक्ट है ना।
लेकिन कंटिन्यू कैसे बोल सकती है, मैं तो थक जाऊंगा इतना, कंटिन्यू बोल रही है। तो आप थोड़ा अनुरिता मैम शांत रहिए, अभी वंदना मैम का सुनते हैं। वंदना मैम आप बोलिए प्लीज, सब लोग सुनना चाहते हैं मैम को। नहीं वैजी नमस्ते, बहुत हाँ। अच्छा बता रही हूँ, प्रैक्टिकल है वो, और हम लोग साइंटिफिकली उसको अगर कोरिलेट करें तो बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा गया है। और जो ये अगर अल्लाह अकबर भी बोल रहे हैं तो अ ओ मा, ये तीनों चीजें जो है वो सभी उसमें हैं, चाहे वो शब्द करने वाले हमारे सरदार भाई हों या कोई भी हो। अग्निहोत्र का तो हमारा सनातन का है ही है शुरू से, उसका चक्र बैलेंसिंग वाला जो मैडम ने बोला कि वो भी बहुत ही साइंटिफिक है। और जो ये पानी में ऐड करने वाला बोल रही है वो भी, आप कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताइए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कि जो भी मंत्र है वो किसी सिद्ध से लिया हुआ जो मंत्र है वो कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक नहीं होती, जो मुझे लगता है। अगर जो मंत्र हमने लिया है वो अगर किसी सिद्ध से लिया है तो वो उसको एनर्जी देता है कि वो उसको कर पाए बिना ब्रेक के। तो मंत्र हम एक दूसरे को बताएं उससे बेटर है कि जहां से ओरिजिन है, जो भी जिन्होंने आपको वो मंत्र दिया उनसे उनको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। और 40 डेज का है वो तो चक्र सभी जानते हैं कि 21-40 ये तो है, जब एक बार वो स्टार्ट होता है और हम उसको लिखते हैं पढ़ते हैं और बोलते हैं से करने पर वो जो है वो दिमाग में बैठ जाता है और फिर उसका वो काम शुरू हो जाता है बॉडी के ऊपर। पर जहां से स्रोत है जो सिद्ध जिन्होंने आपको दिया है, अगर आप डायरेक्ट उनसे जोड़ते हैं किसी को भी जो मंत्र लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो वो ब्रेक नहीं होगा कभी भी। जब जो है वो हम ठीक से हम तो दे नहीं सकते क्योंकि हम लोग रियलाइज नहीं है, अगर हम रियलाइज हैं तो वो ब्रेक होगा भी नहीं। और अग्निहोत्र का पैटर्न तो हम लोग का पुराना है ही है। और ये गायत्री गायत्री के भी जो है वो भी अपना एक ऑनलाइन देते हैं, ये डॉक्टर सारस्वत है जो मैडम आई थी उसपे, जो हस्बैंड है वो मंत्र चिकित्सा पे बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं। और हम लोग का अपना सबका एक्सपीरियंस है कि सरस्वती का जो मंत्र है या कोई भी हम लोग मंत्र करते हैं उसका इफेक्ट तो 100% होता ही है। दूसरी चीज ये कि जब हम शिरोधारा कर रहे हैं या हम अपने पंचकर्म के कोई टेक्निक्स कर रहे हैं उस समय जब हम लोग मंत्र पढ़ के या लगा के करते हैं उसका इफेक्ट अलग होता है। या हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो नॉर्मली एक उसको उसकी तरह कर दिया हमने एक्सरसाइज की तरह। दूसरा जब हम मंत्रों के साथ करते हैं उस पर रिसर्च भी है, जब हम मंत्र साथ करते हैं तो उसका बॉडी पे अलग ही इफेक्ट आता है। तो ये रिसर्चेस इस पर हो चुकी हैं और ये बिल्कुल प्रूवन है। रिसर्चेस वो करते हैं कि जिनको अंधविश्वास नहीं होता, जिनको विश्वास नहीं होता वो रिसर्चेस करके उन लोगों के सामने रख देते हैं जो विश्वास नहीं करते। और अब तो सभी लोग बिलीव करते हैं कि 90% लोग कि इसका इफेक्ट होता ही होता है। हम सबने एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी किया है और चर्चा इस पर हो ही चुकी है ऑलरेडी, वहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिकित्सा एक बलीभूत होते हैं इसमें कोई शक नहीं है। जी जी मैम, इसका एक ना कभी हरिद्वार जाए ना, हरिद्वार में शांति कुंज एक जगह है जी, मैं वही की बात कर रही थी पवन सर, उसमें मैम आपने वो देखा भी डॉक्टर सारस्वत जो रहे हैं वो कल बुद्ध पूर्णिमा पे उनका वो आपने मैम शांति कुंज में एक डिवाइस देखा जिसके आगे खड़े होके ओम बोलते हैं, अगर आपका प्रॉपर तरीके से बोलते तो वो सारे चक्कर खुलते हैं। जी, वो जी, लाइट है ना सामने डिवाइस बनाया हुआ है वो, अगर हम तरीके से उसमें ओम बोलते हैं तो उसमें डिवाइस पे ना पूरी लाइटें जलती है सभी चक्रों की, अगर हम थोड़ा सा भी चूक रहता है वर्ड में तो वो कभी कोई जल जाती है कभी कोई जल जाती है, मतलब हमारा उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। जिसको साइंटिफिकली रिलेट करने के लिए ही उत्तराखंड में जब सर पोस्टेड थे हल्द्वानी में तो हम जाते आते वहीं पे रुकते थे और पांड्या जी के गेस्ट हुआ करते थे और बहुत सारी चीजें वहाँ पर माता जी और गुरु जी के द्वारा की गई हैं और करी जा रही हैं। आज उनके जो दामाद हैं बेटी हैं उसको भेज रहे हैं सब जगह, उनके खुद के जो फॉलोअर्स हैं उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं MBBS MS, वो जब बोलते हैं डायस से या अपने फोरम से तो लोगों को लगता है कि हाँ ये बात सही है, बिल्कुल प्रूवन है।
और एम्स वगैरह में भी अब इसका वो हो रहा है, गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय का चल रहा है कि पेशेंट के ऊपर दूर से ही अगर हम करें तो क्या इफेक्ट होता है और होता है जी। जो किट है वो भी आ रहा है पवन सर, आप तो अगर हैं वहां से रिलेटेड तो किट ऑनलाइन इसका भी मिलता है शांति कुंज वालों को जी। जी मैम, जी मैम, पवन सर मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इसमें। ये शांति कुंज हरिद्वार के हम लोग मेंबर हैं, आचार्य श्री राम शर्मा के शिष्य हैं। तो मैम इसमें 12 वर्ष का युग पुरुष चरण कार्य हुआ था, इसमें युग संधि पुरुष चरण का इसमें हम लोग भागीदारी दिए थे। और हम लोगों का जो नवरात्रि का यज्ञ है दोनों साल में दोनों बार का, वो हम लोगों का कंपलसरी है। 9 दिन का यज्ञ हवन विशेष हविष्य के द्वारा, और जो बलि देने की प्रथा जो थी, तो जैसे हम लोग बलि वैश्य देते थे, जैसे भोजन बना रहे हैं उसमें से थोड़ा सा मीठा और भोजन के अंश को लेकर के, और 5 आहुति देते थे सूर्य मंत्र के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा, वो भोजन को उस जो बचे हुए अन्न को अपने भोजन में मिलाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। और उसको खाने के बाद जो हमारा मनोभूमि है, जो अन्नमय कोश है, वो शुद्ध होता था। तो उससे हमारे ओजस्वी प्राण की जो आवृत्ति है, वो आयाम है, वो बढ़ते थे। और ये रिसर्च करके रखे हैं आचार्य श्री ने, जैसे अभी पवन सर ने बताया ना कि ओम का जो करते हैं तो 9 ग्रंथियां जागृत होती हैं यदि विधिवत उसके लय को और उस प्राणवायु के साथ यदि हम उच्चारण करते हैं तो 9 ग्रंथियों के जो लाइट है वो जलते हैं। यदि उच्च श्वास के द्वारा यदि हम आधा मंत्र करते हैं तो वो 2-4 ग्रंथियां नहीं दिखती हैं लाइटिंग की। और इस पे हम लोग एक एक महीने का हम लोगों का ड्यूटी लगता था, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है वहाँ, तो वहाँ मैंने बीच बीच में जाके एक एक महीने का समय दान दिया है। और इसके हम लोग को कोर्स भी कराया जाता है 1-1 साल का, तो सारा यज्ञ हवन औषधि चिकित्सा मनोचिकित्सा, तो इस पे हम लोग की अच्छी पकड़ है, इसी की वजह से है सर। और दूसरी बात है कि हमारा खान पान आहार विहार इतना शुद्ध हो जाता है, ये अभी देखेंगे मैम कभी भी जाएंगे हम लोग किसी पिकनिक वगैरह भी जाएंगे तो 99% लोग नॉन वेज मिलते हैं, 1-2 लोग वेजिटेरियन मिलते हैं, 1-2 फैमिली, बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें यही है कि खान पान के लिए भी बहुत विशेष बताया गया कि आप जो आहार लेते हैं उसकी दूषित जो प्रभाव है आपके रस रक्त पर, मनोवृत्ति पर, मानसिक, उस पर भी पड़ता है। जो हम समाज में आज भिन्न भिन्न प्रकार के जो अभी हम हिंसा और ये दुष्प्रवृत्तियां देख रहे हैं, ये आहार विहार इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। और हमारा सत्संग की व्यवस्था बनाई गई कि सत्संगति सत सुध जाई पारस परसी कुघात सुहाई, तो अच्छे लोगों की संगति में आप कैसे बुरे भी रहोगे तो बहुत अच्छे बन जाओगे। तो ये सारी चीजों को भी उसमें बनाया गया है, प्राण के आयाम को बढ़ाना। और जैसे मैम ने बताया कि जो अनंता मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नमक पानी का, तो सप्ताह में एक बार कुछ भी नहीं होता है तो थोड़ा एक बकेट में 2 चम्मच नमक डाल के पोछा करवा दीजिए घर में, और संडे को या उसको जो व्यक्ति वो है तो उसको नमक डाल के स्नान करा दीजिए। तो ये भी एक अच्छी ऑरा डेवलप करने के लिए ये प्रक्रिया है। और हविष्य तो हमको नित्य सनातनियों का कर्म था, जितने सनातनी हिंदू थे वो नित्य हविष्य करना ही है, अग्नि को बिना हविष्य किए वो भोजन शुद्ध होता ही नहीं था, बलि वैश्य दे करके गौग्रास दे करके ही भोजन करना। हम कहते हैं हिंदू है हिंदू है, लेकिन हम हिंदू के कितने चीज को पालन करते हैं, इसीलिए हम बिखर गए और इसीलिए हमारा सब कुछ लूट गया, क्योंकि हम इन चीजों का पालन नहीं किए, समय काल की परिस्थितियों में हम विघटित होते चले गए और दूसरी चीजों को हम अपनाते चले गए। तो ये सनातन को रोपित करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो गायत्री परिवार ने, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, जो गुरु जी ने जो किया है मैम, ये क्या बताएं, इस सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी अमोघ देन है इनकी। और जो इससे हम लोग जो गांव-गांव, जैसे हम लोग को 10 गांव गोद लेने को दे दिया जाता था कि आपको 10 गांव, हमारी एक टीम बनती थी 5-5 लोगों की, तो 10 गांव गोद लेना है, तो उसमें हमको हर तरह के नशा उन्मूलन से लेकर के हरितिमा संवर्धन और ये मांस भक्षण और विवाह में अनाप शनाप शादियों में खर्च करना,
इन सब चीजों को एक भारतीय औसत तरीके से जीवन जीना, बहुत ज्यादा लिप्सा और बहुत ज्यादा वो सब नहीं करना कि हम आज जी रहे हैं तो आज बस मौज मस्ती में जियो, कल को किसने देखा। नहीं, जीवन मानव तन मिला है आपको महामानव बनने के लिए, आपको और इसमें आपको और प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए इन सब चीजों को हमको इस स्टेप को लेकर के ही चलना पड़ेगा, तब हो पाता है। बहुत कठिन है ऊपर उठना मनुष्य के लिए, हमेशा नीचे अधोगामी प्रवृत्ति है मानव की विशेषता। तो इसमें इन्होंने इतने अच्छे से दिया मैम, आर्ष इसमें वाग्मय शास्त्र जो लिखा है गुरुजी ने, 3200 पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, उसको वाग्मय को जब अध्ययन करेंगे मैम तो ये रोगों पे, और यज्ञ एक समूल चिकित्सा है उसका, एक उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिए हैं। तो यज्ञ से, यज्ञ सर्व काम दुख, यज्ञ से सारी चीजों की प्राप्ति होती थी, यज्ञ से भगवान राम द्रौपदी ये सारे लोग उत्पन्न हुए हैं, और यज्ञ से हर कामना की पूर्ति होती थी। तो इतना बड़ा हमारे पास ये अमोद मंत्र था और इतनी अच्छी विधा थी, तो वो सब चीजें हम लोग सारे ब्रह्मास्त्र को हम लोग सब भूल चुके, और सनातनी तो बोल रहे हैं लेकिन हम लोग पूरे उस सनातन में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इन्होंने जो गुरुजी ने बताया है जीवन जीने की कला, आज इतना बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा ज्ञान होने के बाद भी लोग डिप्रेशन में रह रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि डिप्रेशन में है हम। जब सब कुछ आपको प्राप्त हो गया तो आप डिप्रेशन में है ना, आपके पास जीवन जीने की कला नहीं है। आप बहुत थोड़े से थोड़े चीज में भी, आप यदि आपके पास जीवन जीने की कला है तो आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं, और देने की जो प्रवृत्ति यदि आपकी रहती है, यज्ञ से सीखते हैं हम, भविष्य जो डालते हैं वो एकदम नमम करते हैं जो हम, ये मेरा नहीं आपका है। तो ये प्रवृत्ति जब जागृत हो जाती है तो कहीं कोई कमी नहीं रहती जीवन में, कुछ भी नहीं, और ना कोई डर होता है, ना कोई भय होता है, और ना कहीं हमको किसी प्रकार का ऐसा तनाव रहता है। जहाँ रहे मस्त रहते हम अपने, हमारा आयाम जोड़ना मतलब प्राण को ईश्वर से जोड़ना, यही हमारा योग का मेन धर्म है, लक्ष्य है, और यही हमारी एक अंततः जो हमारा मनुष्य जन्म जो हुआ है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति ही एक मात्र एक लक्ष्य होता है, उत्कृष्ट लक्ष्य है। तो इसको नहीं हम कर पाते हैं और जीवन में और भौतिक इन सब चीजों में जो भटकते रहते हैं। तो मैम बहुत अच्छा आज टॉपिक निकला और शांति कुंज की आप लोगों ने चर्चा की तो मेरा सब कुछ जागृत हो गया, तो इसके आगे और भी चर्चाएं करेंगे। मैं माताओं को जो गर्भ संस्कार कराती हूँ तो सभी को यज्ञ मैं खुद करवाती हूँ, उन सोनो संस्कार, और वो क्षीर जो देती हूँ यज्ञ के माध्यम से उनको, उनको ही पान करने के लिए देती हूँ, उसपे गाय के दूध से वो खीर बनवा करके उपलों में या आम की लकड़ी पर, और गुड़ खांड मिला करके, और उसमें पंच वो शहद घृत गंगा जल तुलसी पत्ती मीठा डाल करके वो बना करके खीर उनको 5 आहुति दे करके यज्ञ में फिर उनको पान करवाती हूँ मैम। 99.9% रिजल्ट आते हैं इसमें, और यज्ञ से जो अपस्मार वाले मानसो मानस दुष्टि वाले जो हैं उनसे उनकी निगेटिव ओरा को ही तो क्लीन करना रहता है, तो इससे बहुत ज्यादा क्लीनिंग होता है। अभी हमारे यहाँ जो रिसर्च हुआ है तो उसमें कि 12 फीट तक के जो वायरस हैं आप जहाँ यज्ञ करते हैं वो पूरे नष्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस टोटली नष्ट हो जाते हैं, ये पूरे रिसर्च है। तो यदि हम करते हैं तो हमारा घर का शुद्धि, इसीलिए बताया गया कि शुद्ध करने के, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक चीजें बीच में लुप्त हो गई कि क्यों करते हैं, हर चीज क्वेश्चन आया ना कि ये क्यों का नहीं बताया, इसीलिए हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी, जो बीच में अभी जो शिक्षा प्रणाली हमारी बदल गई, जो हमारी गुरुकुल जो प्रणाली थी वो बदल गई, फिर हमारे कॉन्वेंट बन गए, तो ये सब चीजें हमारी विकृति की बहुत सारे ये सब आयाम तैयार हो गए, इसीलिए हमारी अगली जनरेशन भी इस चीज को नहीं मान रही है, नहीं मानती है। खैर मेरे बच्चे तो जाके वहां साधना भी करते हैं, बालवटुक संस्कार से लेकर के यज्ञोपवीत वगैरह सब कुछ मैं वहीं पे इन लोगों का करवाई, और मैं खुद भी करती हूँ, अपने जो परिजन हैं इसे शाखाएं चलाती हूँ, दीपयज्ञ मंथली एक दीपयज्ञ करवाती हूँ, मेरा मंदिर है राजपूत क्षत्रिय समाज की मैं अध्यक्ष थी तो उसमें तो अभी मेरा 23 साल। अभी सुनिए ना, अभी ना बहुत चर्चा बहुत अच्छे से हो गया, अभी रुद्राष्टक करके हम लोग ये समाप्त करते हैं सेशन, और उसके बाद में अपने काम धंधे पे भी लगते हैं, वो भी जरूरी है ना। तो डॉक्टर मोनिका मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा,
बात करेंगे ना तो कम पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, वास्ट है, तो इससे अच्छा है कि अभी हमको हर चीज को मैनेज करना होता है। तो मोनिका मैम आप रुद्राष्टक बोल दीजिए प्लीज। थैंक यू एवरीबॉडी, वंदना मैम, मनीषा मैम, शशि मैम, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरविंद सर जी। मोनिका मैम प्लीज कर दीजिए। जी सर, जी सर, तो कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है सर, अब तक तो सबको याद भी हो गया होगा, बहुत अच्छा लगेगा। नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालिकालं त्रिपालं गुणागार संसार पारं तत्त्वं तुषाराभिशंकाश गौरंगभैरं मनोभूतकोटिप्रभाषी चरितं गुणमोत्कलो विचारुगंगा न सद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुन्तलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं श्रीकान्तेक्षुचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् स्वयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कल्पनातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा स नानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावतु माना भजन्ति तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् नतोऽहं तदा जराप्यमानम् प्रभो प्रभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदयति। जकरे शिव शम्भो हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। सभी को धन्यवाद। अभी सेशन बंद कर दे सर, जोशी सर। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, नमस्कार। 8 बजे बंद। हाँ ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम सभी।